नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, बात चाहे गांव की हो या शहरों की, लोगों के जीने में बदलाव तो आया ही है और इस बदलती हुई जीवन शैली में कई बीमारियां भी हो रही हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी भी इनमें से एक है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में हर 5 में से एक को डायबिटीज है। सचमुच ये एक डरावना सच है कि करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन इसका उन्हें पता ही नहीं होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग हैं गांव के। मधुमेह यानी डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, क्या है ये बीमारी, से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। विषय है डायबिटीज़ के लक्षण, कारण और बचाव। यदि आप मधुमेह यानी डायबिटीज से जुड़ी किसी समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060। दूसरा नंबर 1800-11-3061। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत। आप देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर हमें बताएंगे कि मधुमेह के साथ हम स्वस्थ जिंदगी कैसे जी सकते हैं। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिंदु कुलश्रेष्ठ, जिनसे हम खास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे गर्भावधि मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत करें और आपको विस्तार से बताएं आज के विषय के बारे में। आप मधुमेह को और बेहतर तरीके से समझ सकें और ये भी समझ सकें कि कैसे मधुमेह के साथ एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, इसके लक्षण क्या है, सभी बातें आपको चर्चा के माध्यम से आगे हम बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। यह है विकासशील भारत। यहाँ बात चाहे शहर की हो या गांव की, निरंतर भागदौड़ दोनों जगह है। यहाँ निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत, उन्नत खेती करते और सफलता के सोपान को छूते किसान बेलाग बेलौस जिंदगी से खुश नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, शहरों की जीवन शैली से कदम ताल करता अब ग्रामीण भारत भी लगातार आगे जो निकल रहा है। गांव जहां हरियाली की अथाह संपदा है और अब टेलीविजन और इंटरनेट ने भी गांव और शहर के दायरे को बहुत हद तक कम कर दिया है। यदि शहरी लोग गाड़ियों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो ग्रामीण भी अब पीछे नहीं हैं। इसी तरह एक सर्वे के अनुसार गांव में जहां 21% लोग बाहर के खाने को पसंद करने लगे हैं, वहीं शहरों में 25% लोग बाहर के खाने का आनंद लेते हैं। हालांकि बदलती हुई जीवन शैली उभरते हुए समाज का एक आईना होता है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में कुछ गलत लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां भी साफ देखी जा सकती है। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी भी इनमें से एक है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे आमतौर पर गाँव के लोग गंभीरता से नहीं लेते। बाद में जब दूसरी जटिलताएं सामने आती है तब तक देर हो चुकी होती है। हमें ये जानना चाहिए कि ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह इसलिए कि हमारे शरीर के खून में ग्लूकोज पहले से ही होता है। खान पान से हमें एनर्जी मिलती है और यही एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। ये ग्लूकोज खून के साथ मिलकर शरीर के कोशिकाओं में जाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। गौरतलब है कि फल, सब्जियाँ, बीन्स, मेवे आदि में प्राकृतिक रूप से मिठास मौजूद होती है। आमतौर पर समस्या उस चीनी से होती है जो प्रोसेसिंग के बाद का उत्पाद होती है। ज्यादा चीनी के सेवन से फैट लीवर पर जमा हो जाती है और लीवर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। हमारे देश में भी ये बीमारी सालाना 20% की रफ्तार से बढ़ रही है।
WHO के मुताबिक भारत में हर 5 में से एक को डायबिटीज है। एक डरावना आंकड़ा ये भी है कि करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं है। शहरों में डायबिटीज के तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह है लाइफस्टाइल। एक स्टडी बताती है कि शहरों के 80% बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, ऊपर से हाई कैलोरी डाइट बच्चों को तेजी से डायबिटीज का शिकार बना रही है। दुनिया के सामने डायबिटीज कितनी बड़ी चुनौती है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2030 तक डायबिटीज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी बन जाएगी। जरूरत है डायबिटीज को रोकने की, समझ की और बस थोड़ी सी जागरूकता की, ताकि इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि बीमारी व्यक्ति को उसका कद दिखलाती है और वो समय से डरने को कहे ना कहे जागरूक होने का संदेश जरूर दे जाती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा ना आपने, बीमारी के कद को वो डराती भी है और सताती भी है, आखिरकार जागरूक होने का मैसेज भी दे जाती है। मैसेज ये कि आप जागरूक रहें, बीमारी भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे और इससे लड़ने के तरीके को समझेंगे तो कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी, उससे लड़ने की क्षमता भी आप में पैदा होगी। बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेश। सबसे पहले जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे रिपोर्ट में भी हमने दिखाया अभी कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और भारत जो है एक तरीके से डायबिटीज़ की राजधानी बनता जा रहा है। आमतौर पर बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे दर्शकों के मन में, लेकिन मोटे तौर पर अगर समझे तो डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं ये क्या है? अगर हम मधुमेह की बात करते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यह ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, शरीर के सारे अंगों पर असर शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सारे अंगों का काम करना स्लो हो जाता है। तो अगर हम कहें कि अगर शुगर बढ़ने से शरीर का कोई भी अंग बचा हुआ नहीं रहता तो यह बिल्कुल सत्य है, सारे अंगों का काम करने पे इससे असर पड़ता है। जी डॉक्टर बिंदु, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि इसके कारण क्या होते हैं मोटे तौर पर, मतलब डायबिटीज़, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपके माता पिता को है तो आपको डायबिटीज़ होगी, कुछ लोग कहते हैं कि मीठा खाने से हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं मोटापे से हो जाता है, तो मुख्य वजह क्या है डायबिटीज़ होने की? बेसिकली जो डायबिटीज़ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं जो ज़्यादातर बड़े लोगों में होती है, 40 साल के ऊपर होती है। जी जी जी। उसमें जैसे आपने अभी वीडियो में देखा कि हमारी जीवन शैली जिस प्रकार से चेंज हो रही है उसमें मतलब इतना स्ट्रेस है लोगों के लाइफ में, हमारा हम लोग कार पसंद करते हैं, आपने अभी उसमें वीडियो में देखा, और चलना फिरना एक्सरसाइज रूटीन एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे खाने पीने में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। जी, जी, बच्चे आजकल एक ही घर में, जैसे डायबिटीज़ है अभी आपने बात किया कि अनुवांशिक भी है या नहीं है, घर में ही जैसे दादी को डायबिटीज़ है पर बच्चे को रोज़ वो ले जाएंगे कि कुरकुरे का पैकेट दे दो या नमकीन का पैकेट दे दो, रोज़ पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। तो एक चीज़ तो ज़रूर जाननी चाहिए कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ फैमिली में है तो बच्चे और उनके ग्रैंड बच्चे मतलब कि जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है उनको भी डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हमारी जीवन शैली भी अलग है, जिस तरह से हम काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या हमारा खान पान ठीक नहीं है, सो ठीक से नहीं पाते, इस सब से भी डायबिटीज़ होती है। जी, जी। तो क्यों होती है डायबिटीज़? कि हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज ऑर्गन है जिसमें से इंसुलिन एक हार्मोन है जो बनता है, तो ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाता है। जी, जी। तो या तो ये इंसुलिन कम बने या जो इंसुलिन बन रहा है वो काम ना करे, इन दोनों ही सूरतों में डायबिटीज़ हो सकती है। जी जी जी। तो दो सूरतें हैं जिनमें डायबिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये कि जो हमारा खान पान है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। इस बीच जितेंद्र कुमार है हमारे साथ दर्शक, जिन्होंने झारखंड से हमें फ़ोन किया है। जितेंद्र जी स्वागत है स्वस्थ किसान, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार जितेंद्र जी, बताइए सवाल क्या है आपका? जी मुझे शुगर है। जी
जी मेरा हमको शुगर है, लगभग 4 या 5 वर्षों से शुगर है जी। तो क्या हम अभी जैमर 2 खा रहे हैं और रात में खाते हैं रायोमेट ओडी 1000 1 ग्राम खाते हैं जी जी। जी पहले आप टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए जितेंद्र जी, आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे। जी कम कर दिए जी। अब बताइए, आपने बताया कि आपको डायबिटीज है 4-5 सालों से, आपने दवाओं का नाम भी बताया, आगे बताइए समस्या क्या है। जी मुझे एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। अच्छा जो जी आगे बताइए। हार्ट अटैक उसके बाद दिल्ली एम्स में मुझे स्टंट पड़ा हुआ है, तो अभी हम खाना वगैरह तो टाइम से ही खाते हैं, लेकिन आगे का बचाव जी क्या करें उसका थोड़ा सा बताया जाए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि आगे का बचाव ये कैसे करें, तो डॉक्टर बिंदु आप बताना चाहेंगे इस बारे में। एक बार डायबिटीज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, तो इनको बहुत ही सावधान रहना होगा। इनको बहुत चांसेस हैं कि दोबारा हार्ट अटैक ना आए, या हम जितना कम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरतों में इनको 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो शुगर जितना हो सके कंट्रोल में रहे, जिसमें अगर हम फास्टिंग शुगर की बात करें तो वो 120 से ज्यादा ना हो या 130 से ज्यादा ना हो, यानी खाली पेट जो होता है, खाली पेट जो शुगर है, क्योंकि इनको हार्ट अटैक हो चुका है तो हम बहुत कम शुगर नहीं लेना ले जाना चाहते। और खाने के बाद वाली शुगर हो 160-170 तक हो, इससे ज्यादा ना हो। तो ये रेगुलरली अपनी शुगर जरूर चेक कराएं। एक जांच होती है जिसको हम HbA1c की जांच बोलते हैं, जो पिछले 3 महीने की शुगर बताता है, तो ये भी 7% के आसपास रहना चाहिए इनका HbA1c। अगर ज़्यादा है तो ये अपने डॉक्टर को दिखाएं और गोलियों में चेंज करवाएं। दूसरा, इनको ये भी ज़रूर करना चाहिए कि अपनी किडनी की जांच ये हर 6-6 महीने में कराते रहें। इनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो दूसरे अंग भी कितने हद तक अफेक्टेड हैं या नहीं है, उनकी दवा भी ज़रूरी है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आँखों के पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम फंडस कहते हैं, उसकी जांच भी इनको नियमित तौर से करवानी चाहिए। सबसे ज़रूरी, ब्लड प्रेशर इनका हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, 140-80 से ऊपर नहीं होना चाहिए इनका ब्लड प्रेशर। और एक जांच होती है हमारे शरीर में जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और स्पेशली LDL कोलेस्ट्रॉल होता है। क्योंकि हार्ट अटैक हो चुका है तो ये जांच ज़रूर कराएं और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है 70 से कम रखें। जी दिया सिंह एक दर्शक जिन्होंने पंजाब से में फोन किया है। जी दिया जी बताइए, सवाल क्या है आपका। हेलो जी दिया जी। दया जी बताइए सवाल क्या है। हेलो जी दया सिंह जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताएं। नमस्कार जी। हेलो हेलो दया सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी सुन पा रहा हूँ। मैडम जी मेरा बाईपास सर्जरी हुई है जी, तो मैं डायबिटी का मरीज हूँ 30 साल से, कोई लगभग 30 साल से जी जी। तो मेरे जो है अब क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर मेरा 120-80 रहता था, लेकिन अब मेरा ब्लड प्रेशर सुबह ठीक होता है 125 पर होता है, पर शाम तक बढ़ता 160 तक चले जाता है जी। तो ये प्रॉब्लम है, इसका कोई डायबिटी के साथ संबंध है या कैसे है? डायबिटी मेरी इस टाइम 120-125 ही रहती है जी। अच्छा ठीक है, खाली पेट 120-125 रहती है या फिर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खाली पेट। वो मैं डॉक्टर कंसल्ट किए हुए हैं डायबिटीज के। आप इसके लिए दवाई बराबर ले रहे हैं हार्ट की बीमारी के लिए, क्योंकि आपको साथ में हार्ट की बीमारी भी है। आप सुन रहे हैं दया सिंह जी? जी जी सर। आप हार्ट की दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी बराबर ले रहे हैं? मैं डायबिटीज की हाँ जी हाँ जी मैं दवाइयाँ बता सकता हूँ। ये ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो मटलोर कैप्सूल 50 XL। इसमें ऐसा करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपकी शुगर एकदम ठीक है, 120 चल रही है, तो आप ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि 120 खाली पेट की शुगर आपकी ठीक है, आप एक तो 3 महीने वाली जो टेस्ट है HbA1c वो करवा के देख सकते हैं। जहां तक आपकी समस्या है कि आपका ब्लड प्रेशर शाम को होते होते बढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में जरूरी है कि आप दिन में या शाम के वक्त एक शुगर की एक ब्लड प्रेशर की गोली एक्स्ट्रा लें, वो आप अपने फिजिशियन से बात कर लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर शाम को बढ़ता है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका बाईपास हो चुका है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने फिजिशियन को दिखा के उसकी गोली की मात्रा बढ़ा सकते हैं ताकि शाम को ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। अच्छा
जी जी, तो यानी एक बार डॉक्टर से बात कर ले और ये समस्या बता दें, क्योंकि ये ठीक नहीं है जो शाम के वक्त इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है डायबिटीज से जुड़े हुए, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर हम लगातार नीचे फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ से आप नंबर नोट करें और हमें कॉल करें। आज का विषय है मधुमेह, इसके कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया रिपोर्ट में कि हर पाँचवा व्यक्ति जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, तो क्या माना जाए कि इसे हमारी खुद की ये गलतियाँ हैं जो हमें डायबिटीज़ के मुहाने तक ले जाती हैं? अगर हम देखें कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है, क्यों सब लोगों में डायबिटीज़ हो रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि हर पांचवें आदमी को डायबिटीज़ है, आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स का इसमें रोल बहुत कम मात्रा में है। जो हमारे जीन्स आ गए हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो डायबिटीज़ फैलने का कारण है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर बिंदु बता रही थी कि हमारी लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। हमने खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, खाने में घी, तेल, फैट का या वसा का इस्तेमाल हमने ज़्यादा शुरू कर दिया है, और उस वसा को खर्च करने के लिए हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमने मेहनत करने के सारे काम छोड़ दिए हैं, हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया है, हमने पैदल चलना छोड़ दिया है, गाड़ियाँ आ गई है, घर में काम करना छोड़ दिया है। तो हमारे खाने में जो कैलोरी हम खा रहे हैं, जो ऊर्जा हम ले रहे हैं खाने से, और उसको जो खर्च कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया है। हम ज़्यादा खा रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में फैट या वसा एक्स्ट्रा हो रही है, अतिरिक्त हो रही है, और यह जाके शरीर के सब अंगों पे जमा होती है, और उसका फलस्वरूप यह है कि इंसुलिन पूरा काम नहीं कर पाता है, और इंसुलिन काम नहीं करने की वजह से इंसुलिन की मात्रा इफेक्टिव नहीं रहती और शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो मूल रूप से यह हमारी लाइफस्टाइल की डिजीज़ है, हमारे खान पान से संबंधित है, और एक बार होने के बाद भी अगर हम खाना पीना अपना सुधार लें और व्यायाम करना शुरू कर दें, शारीरिक श्रम करना शुरू कर दें, तो बहुत संभव है कि हम शुगर को, डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में यह भी संभव है कि अगर हमें दोनों चीज़ इफेक्टिवली करें तो डायबिटीज़ वापस भी जा सकती है, लेकिन वो ठीक तभी तक रहेगी जब तक हम ये करेंगे। अगर हम आगे चल के वापस खाना पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज़ दोबारा आ जाएगी। जी जी बिल्कुल, तो असंभव नहीं है, किया जा सकता है ये, लेकिन इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए और ये समझना होगा आपको कि स्वस्थ रहने के लिए, डायबिटीज़ फ्री रहने के लिए आपको क्या करना होगा। बहरहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में फिर होंगे हाजिर, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़ के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में, और बहुत सारे दर्शक अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। डायबिटीज़ से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं उन्हें भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बिंदु, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डायबिटीज़ के साथ ही साथ भी एक स्वस्थ ज़िंदगी जी जा सकती है? क्योंकि लोग जब भी उन्हें बीमारी हो जाती है तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं और सारा उनका जो फोकस है वो ज़िंदगी की खुशियों से हट कर समस्याओं की तरफ हो जाता है। डायबिटीज़ के साथ निश्चित ही बहुत ही स्वस्थ जिंदगी जी जा सकती है अगर हम अपने ही बारे में जागरूक हो जाएं। तो जैसे कि डॉक्टर राजेश खड़गावत ने बताया कि अगर हम स्वस्थ शैली को अपनाएं और अगर हम इस बात के लिए जागरूक रहें कि एक स्वस्थ जीवन शैली, एक स्वस्थ खान पान के साथ, स्ट्रेस फ्री जीवन के साथ, अगर हम अपनी नियमित जाँचें करवाएँ जिसमें कि ना ही केवल शुगर HbA1c बल्कि अपना नियमित तौर पे ब्लड प्रेशर भी चेक करवाएं, नियमित तौर पे अपने किडनी चेक करवाएं, अपनी आँखें चेक करवाएं, हार्ट की जांच करवाएं, और अगर ये बीमारियां आ भी रही हैं शुगर के कारण तो उसकी पहले से ही ऐसी दवाएं लें कि आगे वो कम बढ़ें। तो इसमें हमारे कितने ही मरीज़ हैं जो 40 साल की उम्र से डायबिटीज़ थी और आज 20 साल के बाद भी हमारे पास आ रहे हैं। वो समझते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ मरीज़ों को हाँ किडनी डिजीज़ हो गई है, इस बारे में वो जागरूक हैं, बट अगर वो अपने बारे में जागरूक रहें
तो वो जरूर ही एक निश्चय तौर पे स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। जी, रुद्र प्रताप है एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं रुद्र जी से। हेलो हेलो रुद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ मैम सुन रहे हैं। हाँ बताइए, सवाल बताइए। जी मैम, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए आगे तो सर ये किस हद तक घातक साबित हो सकती है ये डायबिटीज, और इससे बचने के क्या उपाय हैं? और जी कहाँ तक घातक साबित हो सकती है डायबिटीज? रुद्र प्रताप जी मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक, उनका यह सवाल है। डॉक्टर साहब कितनी घातक हो सकती है, क्या ये जानलेवा भी हो सकती है डायबिटीज? जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे, डायबिटीज अगर आप पूरा ध्यान रखें तो आपको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, आपने खान पान में सुधार नहीं किया, आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं किया, तो जैसा कि हमने बताया कि डायबिटीज में शुगर बढ़ती है और शुगर सभी अंगों को जरूरत होती है। अगर ज़्यादा शुगर बढ़ती है तो शरीर के सारे अंगों का काम पे असर पड़ सकता है। अगर हम कंट्रोल नहीं करें लंबे टाइम तक, अगर शुगर बढ़ी भी रहेगी तो किडनी काम करना बंद कर सकती है, हार्ट पे असर पड़ सकता है, लीवर पे असर पड़ सकता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है, और ऐसा कोई अंग नहीं है शरीर का जिससे शुगर का असर नहीं पड़े। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाँ ये बिल्कुल घातक बीमारी है, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं, आसानी से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत है आपको खान पान का ध्यान रखने की और बराबर शारीरिक व्यायाम या श्रम करने की। अगर ये दोनों करते हैं तो बिल्कुल आप शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, शुगर को आसानी से बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं डॉक्टर बिंदु आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं उस वक्त भी उन्हें शुगर निकलती है, यानी जो शुगर है वो बढ़ा हुआ होता है, तो ये किस तरह की समस्या है? क्या ये आमतौर पर होता ही है? इसका क्या होने वाले बच्चे पर भी किसी तरह का प्रभाव हो सकता है, और ये ना हो क्या ऐसा भी संभव है? गर्भ के दौरान प्लेसेंटा कुछ इस तरह के हार्मोन्स बनाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिससे कि इंसुलिन जो कि शुगर को कंट्रोल करता है उसका एक्शन कम हो जाता है। इसलिए आमतौर पे भी यही कारण है कि कुछ गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाता है, और ऐसे में ऐसी महिलाएं जिनके फैमिली में डायबिटीज़ रही हो, या जैसे डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि उनका जीवन शैली बचपन से ही या एडोलेसेंस टाइम से ही कुछ खराब रहा हो, ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के, कुछ तो हार्मोन्स के कारण और कुछ हमारी जीवन शैली और खान पान के कारण। तो पहले ये कहा जाता था कि जैसे ही दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है तब हमें शुगर कराना चाहिए, लेकिन आजकल क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है तो सबका ये मानना है कि जब वो पहली बार अपने डॉक्टर को मिलने जाती हैं तो अपना शुगर ज़रूर करवाएं। जी जी जी, डायबिटीज़ गर्भ के दौरान होने का बच्चे पर क्या प्रभाव होता है इसका कोई? हाँ, तो ये होता है कि जो ग्लूकोज जो मदर में ज़्यादा है वो बच्चे में जाके बच्चे का भी इंसुलिन बढ़ा देता है जी। तो ऐसा बच्चा जब पैदा होते हैं तो वो ज़्यादा मोटे होते हैं, 4 किलो से भी ऊपर हुआ बच्चा, कभी कभी प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है कि समय से पहले ही डिलीवरी हो गई, ऐसे में माँ को भी असर हो सकता है, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या माँ के शुगर टाइम के साथ बढ़ता रहता है। बच्चों में कभी कभी रेयरली कुछ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज भी देखी गई हैं। जी 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 जी, गणेश साहू हैं दर्शक जिन्होंने हमें झारखंड से कॉल किया है, आइए इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी गणेश जी बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गणेश जी क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर, काला सिंह है पंजाब से, आइए उनसे बात करते हैं। जी जी सिंह साहब बताइए क्या समस्या है? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, टेलीविजन की आवाज पहले कम कर दीजिए काला सिंह जी। हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, मेरी मदर को डायबिटीज है काफी देर से, और पहले वो अब वो ओजोमेट वीजी टू ये टेबलेट ले रहे हैं, ये इनके लिए कितनी फायदेमंद है? कितनी उम्र है आपकी माता की? मैडम 56 के करीब है। 56? तो हाँ जी, तो पहले पीछे उनको ना थोड़ा सा सांस की दिक्कत आई थी, तो उसके लिए उनको जब टेस्ट करवाए तो उनके जो हार्ट के ऊपर चर्बी जमा हुई थी, तो वो उसकी ट्रीटमेंट 3 महीने 4 महीने चला,
उसके बाद क्या था भी उसकी दोबारे जब टेस्ट हुए उनके सारे बॉडी के तो वो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आ गए, किडनी की उनकी बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीजी ओजोमेट वीजी टू जो ये टेबलेट है ये इनके लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी कारगर है? ये गोली कितनी बार ले रहे हैं आपके माता जी, दिन में कितनी बार ले रहे हैं ये? एक मिनट, कितनी गिनी खानी है गोली? कितनी बार सर? एक टाइम सुबह। अच्छा, और इसके लेने के बाद शुगर का क्या हाल है, कंट्रोल रहती है खाली पेट? हाँ जी शुगर कंट्रोल रहती है। और शाम को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में कभी चेक किया है शुगर आपने? नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अच्छा, तो इसमें जो भी हम दवाई यूज करते हैं इसका सबसे बड़ा इसका जो यूज करने का कारण है कि ये शुगर को कंट्रोल करे। तो जैसा आपने बताया खाली पेट की शुगर कंट्रोल है, तो इसमें हम ये सलाह देते हैं कि एक टेस्ट आता है जिससे 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल पता चल जाता है, जिसको हम HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से जांच करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि शुगर एवरेज कंट्रोल है या नहीं है। अगर ये 7% से कम आता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी शुगर कंट्रोल है, आप बिल्कुल वही दवाई की मात्रा चालू रखिए। और अगर ये 8% से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, ये दवाई सफिशिएंट नहीं है, आपको और दवाई शुरू करनी पड़ेगी। और 7 से 8% के बीच में रहता है तो थोड़ा सा आप अगर आप डाइट एक्सरसाइज का साथ में और ध्यान रखें तो शुगर कंट्रोल हो सकती है। तो आप एक बार टेस्ट करवा के देख ले, उसके बाद में पता चल जाएगा कि ये गोली अच्छी है, फायदा कर रही है, कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जी, और मैं डॉक्टर बिंदु आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम गर्भावधि वाले शुगर की बात कर रहे थे, जो डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कह रहे हैं, तो कई बार ऐसी बातें भी सुनने को आती हैं कि गर्भावधि के दौरान आप मीठा ना खाएं, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें, ये कितना सही है, क्या ऐसा करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि गर्भ के दौरान कुछ हॉर्मोन्स भी ऐसे बनते हैं जो शुगर को बढ़ाते हैं। तो हमारी परंपरा रही है पहले कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मिठाई बहुत बनाई जाती थी कि मीठे लड्डू बने हैं ये ले लीजिए, क्योंकि टाइम के साथ हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। तो अब हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भ के दौरान हमें ये चीज़ें नियंत्रित मात्रा में ही लेनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सबको लेना ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो रेगुलरली लेते थे वो ना लें, जितना कम कर सके और एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली जिए, अपना शुगर टेस्ट ज़रूर कराएं गर्भ के दौरान, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ एक दर्शक है मुधिस्टर, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया, ये उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये पूछना ये था कि हमारे फादर को जो है डायबिटीज है पिछले 4-5 साल से जी, और उनका इंसुलिन लेवल जो है 1 के आसपास रहती है, क्रिएटिन लेवल जो है 1 के आसपास रहता है जी, और दवाई लेने के पहले जो उनका डायबिटीज का लेवल रहता है वो 160 के आसपास जी, और एक बार दौरा भी आ चुका है उनको, अभी एम्स में फिलहाल इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि स्ट्रेंट में डालना था कुछ ऐसा ही है, तो हार्ट का प्रॉब्लम है। डायबिटीज से रिलेटेड हमें ये पूछना है कि उनको आगे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी जो लाइफ हो थोड़ा वो नॉर्मल हो सके। अभी शुगर का आपने HbA1c का टेस्ट करवाया है उनका? और जहां तक अगर वो भर्ती है एम्स में तो निश्चित तौर पर यह टेस्ट हुआ होगा। आगे के लिए जरूरी है कि उनका, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि वो एम्स में जो उनका जो ये हुआ था उसमें कोई चेकअप नहीं हुआ था, पटना का जो चेक था ना, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल का, वो सारा चेक मान करके उनको दवाई लिखी गई थी हार्ट की। अच्छा, जैसा आपने कहा है MRI M1 था कि उनको एक टेबलेट चलता है सुबह नाश्ता से पहले लिया जाता है। ये दवाई आप बराबर चालू रखें तथा बराबर खून में शुगर की जांच करते रहें, खाली पेट की और खाना खाने के बाद की जांच कर लें, एक एवरेज टेस्ट होता है, नॉर्मल रहता है उनका शुगर, तो बिल्कुल ये दवाई बराबर चालू रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और जितना संभव हो आपके हार्ट के डॉक्टर से सलाह करने के बाद उतना सुबह शाम व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हार्ट की जांच कर लें, कहीं ऐसा नहीं हो हार्ट की बीमारी और ज्यादा व्यायाम कर लें उससे तकलीफ हो जाए, तो पहले वो चेक करवा लें, उसके बाद सुबह शाम व्यायाम करें। और खाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने बताया कि एक बार उनको पैरालिसिस का अटैक स्ट्रोक हो चुका है, तो उस स्थिति में खाने में घी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम, जितना कम से कम कर सकते हैं उतना करें, मीठा नहीं लें, तली हुई चीज नहीं लें, और सुबह शाम बराबर घूमें व्यायाम करें, तो उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा तथा जो
साथ में हार्ट की और स्ट्रोक की बीमारी है, उसमें भी काफी हद तक मदद मिलेगी जी। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार हमारी आंखों की रोशनी जो है वो धीमी पड़ने लगती है, क्या इसके पीछे भी डायबिटीज़ एक वजह हो सकता है या फिर डायबिटीज़ की वजह से इस तरह की चीज़ होती है, इसे हम और विस्तार से समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे आप स्वस्थ किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करें मधुमेह यानी डायबिटीज की और इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अपनी बात हम तक पहुंचाए, अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया और लाइव हमने उसके जवाब भी दिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि हम ये भी देखते हैं कि कई बार आंखों की रोशनी पर असर पड़ने लगता है, तो क्या ये लक्षण है एक तरह से डायबिटीज का, और क्या रोशनी कम होती है या फिर आंख की कोई और समस्या पैदा हो जाती है? अगर हम ये कहें कि डायबिटीज़ की वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो ये बहुत कॉमन नहीं है, अधिकतर मरीजों में ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ में अगर ब्लड शुगर लगातार बढ़ी हुई रहती है तो डायबिटीज़ का पर्दा होता है आँख के पीछे की साइड में, जिसे हम रेटाइना कहते हैं, रेटाइना पे असर पड़ता है, उस पर नई नई खून की वेसल्स बनने लग जाती हैं और उससे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एकदम से नजर जाने का खतरा रहता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि नजर कम धीरे धीरे करके कमजोर हो, पर ज्यादा कॉमन यह है कि एकदम से वो ब्लड वेसल्स होती है जो खून की कोशिका नलियां बनती है वो फूट जाती है, उनसे खून निकल जाता है, आंख में खून आ जाता है। आदमी रात में एकदम ठीक सोया था, सवेरे उठा तो पता चला कि आंख में नजर ही नहीं है। ऐसा संभव है अगर आंख की एडवांस बीमारी हो, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है आंख की बीमारी डायबिटीज की वजह से, जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, वो बढ़ चुकी है, तो इस तरह की चीज संभव है। हालांकि रोशनी भी कम हो सकती है, लेकिन अभी भी रोशनी कम होने का मुख्य कारण जो है कि वो मोतियाबिंद का बनना है, जो कि डायबिटीज की वजह से जल्दी हो सकता है, एज के साथ भी होता है, लेकिन अगर डायबिटीज है तो मोतिया जल्दी एज पे भी बन सकता है। जी जी, एक दर्शक है सुष्मिता, जिन्होंने हमें मेरठ से कॉल किया है। आइए सुष्मिता जी का भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार सुष्मिता जी, बताइए समस्या क्या है? मैम, मेरे बच्चे को पिछले 6 साल से डायबिटीज है। आपके बच्चे को? हाँ जी। कितने उम्र है बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 9 साल है, 3 साल की उम्र थी तब से डायबिटीज है। जी मैम, मेरे बच्चे को लगातार इंसुलिन लगता है। जी मैं जानना चाहती हूँ इंसुलिन से अलग भी मेरे बच्चे का कोई इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल सुष्मिता जी, आपका बच्चा भी बहुत छोटा है और इतनी कम उम्र में डायबिटीज, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर बिंदु, क्यों ऐसा हो जाता है कि 3 साल की उम्र में बच्चे को डायबिटीज हो जाए और महज 9 साल की उम्र है और अभी इसे इंजेक्शन लग रहे हैं, तो क्या इसका कोई और इलाज है जैसा कि ये जानना चाहती हैं या फिर यही होना है? अभी तक हमने जितने भी पेशेंट्स को लिया उनको टाइप 2 डायबिटीज थी, बड़ी उम्र में शुगर हुआ था, लेकिन इस बच्चे को जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसका हमें बेसिक कारण जानना होगा कि इसमें जो पैंक्रियाज ऑर्गन है उससे इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनता। अब क्योंकि बिल्कुल ही नहीं बनता तो अगर हम गोलियां भी लेंगे, अगर हम सोचेंगे कि काश हम गोली ले लेते और ठीक हो जाता, लेकिन गोलियां भी वैसे ही काम करती है, गोली अगर हम लेते हैं वो पैंक्रियाज से इंसुलिन को बढ़ाती है, क्योंकि बिल्कुल ही मात्रा नहीं है इंसुलिन की तो गोली बिल्कुल काम नहीं करेगी। ऐसे तो इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ इंसुलिन ही इसका इलाज है। जी, कई जी, लोग हमारे पास आते हैं इस उसमें कि कभी किसी वैद्य कहीं पे भी चले गए, उन्होंने गोली दे दी और क्योंकि बिल्कुल इंसुलिन नहीं थी शरीर में इसलिए बच्चा कीटो एसिडोसिस में पहुँच गया। यह एक बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है।
इंसुलिन छोड़ने की इस उम्र में, अगर आपने इंसुलिन छोड़ दिया कीटोन्स बनने लगेंगे, उससे सांस बहुत गहरी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कुछ बच्चों के दिमाग पे भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर खड़गावत, आप भी इस पर कुछ बताना चाहेंगे? और इतने छोटे उम्र में बच्चों को डायबिटीज, कई बार हम देखते हैं कि जन्म के साथ ही उन्हें डायबिटीज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल संभव है, और ऐसा नहीं है कि 3 साल पे डायबिटीज नहीं हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज है जैसा डॉक्टर बिंदु ने बताया, और इसमें एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन के इंजेक्शन। ये इंसुलिन के इंजेक्शन किसी में दिन में 4 बार देने की जरूरत पड़ती है, किसी में 2 बार की, किसी में 3 बार की देने की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे यह आपको बताना चाहूँगा कि यह इंसुलिन हम बच्चे की जान बचाने के लिए दे रहे हैं। अगर हम इंसुलिन नहीं देंगे, 1 दिन या 2 दिन भी नहीं दिया है इंसुलिन, तो बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी आदमी कहे, कोई भी डॉक्टर कहे कि आप इसको टैबलेट दे दीजिए, आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इंसुलिन लेना है, तो क्या ये आम बच्चों की तरह स्वस्थ जीवन वैसे ही जी सकता है अगर वो इंसुलिन लेता भी है, ये मान ले कि उसके जीवन का हिस्सा? बिल्कुल, अगर इंसुलिन आप जैसा आपको बताया गया वैसा अगर आप बराबर इंसुलिन ले रहे हैं, बच्चे की शुगर कंट्रोल अच्छी चल रही है, तो यह संभव है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल होगा, वो पूरे सही तरीके से पूरा एकदम नौजवान बनेगा, वो आगे की लाइफ एकदम ठीक होगी। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 60-70 साल हो गए हैं इंसुलिन लेते हुए, एकदम हेल्दी हैं, बिल्कुल नॉर्मल आदमियों की तरह से जीवन जी रहे हैं। तो यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि 3 साल पे डायबिटीज हो गई है तो इसको कॉम्प्लिकेशन होंगे। अगर शुगर कंट्रोल रखती है तो बिल्कुल एकदम हेल्दी नौजवान आदमी वो बन सकता है, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंसुलिन की आपने बात की, इंजेक्शन जो लगाना पड़ता है, इस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि इससे भी लोग बहुत घबराते हैं। कुलदीप है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। जी कुलदीप जी, बताइए क्या सवाल है? सवाल मैम ये है, मम्मी की आंखों में रोशनी धुंधली है बहुत। अच्छा, आपकी मदर की एज कितनी है? एज है लगभग 60 वर्ष है मैम। 60 साल, और उन्हें भी डायबिटीज है क्या? क्या मम्मी? शुगर है, डायबिटीज है उन्हें? हाँ डायबिटीज ही है मैम। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? जी डॉक्टर बिंदु, आपको जी अगर, हाँ हाँ, अगर धुंधली हो रही है तो आपको आंख के डॉक्टर के पास जाके मैं जानना चाहता हूँ। आंखों की रोशनी ऑपरेशन भी कराया मैंने उसका, लेकिन तब भी कुछ अच्छा। आपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा दिया फिर भी धुंधली है, तो कैटरैक्ट के पीछे जैसे डॉक्टर राजेश खड़गावत ने बताया कि लेंस के पीछे जो ऑपरेशन हो गया है उसके पीछे भी एक झिल्ली होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी माता जी में उस रेटिना में कुछ चेंजेस आ गए हों, जो ब्लड वेसल्स की डॉक्टर राजेश खड़गावत बात कर रहे थे। तो एक आँख के डॉक्टर के पास जाके ऑफ्थेल्मोस्कोपी से फंडस का, रेटिना का एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं इंसुलिन से घबराते हैं, और जब डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेना होगा, तो बहुत सारे लोग ये भी समझाने के लिए आ जाते हैं कि इंसुलिन ना लें, नहीं तो एक बार ले लिया तो पूरी उम्र लेना पड़ेगा, और इसे लेने से मरीज भी बचता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इंसुलिन क्यों लेना ज़रूरी है और इससे क्यों लोग बचने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने कहा है तभी कुछ और इलाज ढूंढते रहते हैं। जैसा हमने अभी बात कर रहे थे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर छोटी उम्र में डायबिटीज़ हुई है तो सिर्फ एक ही इलाज है, इंसुलिन है, और इंसुलिन के बिना जीवन नहीं चल पाएगा, तो उसमें तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, दोबारा सिर्फ इंसुलिन लेना है। जहां टाइप 2 डायबिटीज़ है वहां काफ़ी सारे मरीज डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकते हैं, जिनमें नहीं होता है उनमें हम गोलियाँ देते हैं, फिर हम गोलियों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर एज के साथ जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो यह संभव है कि गोलियों से भी कंट्रोल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हमको इंसुलिन काम में लेना होता है। इंसुलिन काम से लेने से हमारी शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल आ सकती है, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इंसुलिन शुरू कर दिया तो वो जिंदगी भर चलेगा। अगर हमने इंसुलिन शुरू किया है, उससे शुगर कंट्रोल हो गई है, तो यह बहुत संभव है कि हम इंसुलिन बंद करके वापस गोलियों पे भी आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा शरीर को, और अगर दोबारा जरूरत पड़े तो वापस इंसुलिन भी ले सकते हैं। और इंसुलिन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि लोग इंसुलिन का नाम सुन के डरते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि वो जो हम बड़ा इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटी सी सुई आती है जिसका मच्छर काटने के बराबर दर्द होता है, उसको पेट की चमड़ी पे या पांव की चमड़ी पे लगाना होता है, बहुत कम दर्द होता है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी दवाई है। कितनी भी बड़ी भी शुगर हो, इंसुलिन अगर हम देंगे तो वो
निश्चित तौर पर वो कंट्रोल आएगी। और एक बार इंसुलिन शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा जी, लेकिन अपनी मर्जी से ना छोड़ दें, डॉक्टर जब कहे तभी उसी के हिसाब से काम करें। शंकर जी है एक हमारे साथ फोन लाइन पर, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया, दर्शक है जी। शंकर जी बताइए क्या सवाल है आपका। हमारा मैम नमस्ते। नमस्कार। हम किसान लोग हैं, हम किसान ही करते हैं जी। तो हम ठंडों की दिनों में अक्सर सुबह रहती है जो हम किसान भाइयों के लिए, तो ठंडों में कभी कभी कम हो जाती है, किसी की जान हो जाती है ठंडों में, फिर वो किस प्रकार का रहन सहन है, खान पान रखें कि किसान भाई की काफी स्वास्थ्य रहे ठंडों में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर बिंदु आप बताना चाहेंगे, जैसे ठंड के बारे में कह रहे हैं, तो ठंड में क्या डायबिटीज के मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, और क्या डायबिटीज का जो शुगर लेवल है क्या ऊपर नीचे रहता है कुछ? हमने आमतौर पे देखा है जो मरीज ठंड में आते हैं जनवरी के महीनों में, ज्यादातर उनकी शुगर बढ़ जाती है जी। इसका कारण जो वो लोग ये बताते हैं कि कई शादियां हैं जो नवंबर दिसंबर के महीने में पड़ती हैं, सारा हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल, क्रिसमस, ये सारे उसी टाइम पे पड़ते हैं। ठंड के टाइम बहुत सारी मिठाइयाँ लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मियों में उनको ये लगता है हम उतना पचा नहीं पाते, सर्दियों में ये सेवन बढ़ जाता है, तो शुगर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा खान पान थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारे देश में। दूसरी चीज़, हमें जैसे इन्होंने बोला कि शुगर कम हो जाती है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि शुगर कम होने के क्या लक्षण हैं। अगर हल्की घबराहट हो, पसीना आए, हाथ पांव थोड़े कपें, थोड़ी से मुझे कंफ्यूजन हो, जैसे मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा, अनबनासा महसूस हो, ऐसे समय में ज़रूर अपनी शुगर चेक करनी चाहिए जी। हमें 3 टाइम का खाना ज़रूर खाना चाहिए। कई लोग डायबिटीज़ के ऐसे हैं, जैसे ज़्यादातर मैं महिलाओं में ज़रूर कहूँगी कि वो कुछ भी हो नाश्ता नहीं करती सुबह। हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी हैं, अपना पूरा पूजा करके सब काम कंप्लीट करके सुबह सिर्फ एक चाय होती है और 12 बजे 1 बजे उनका पहला खाना होता है, रात के 8 बजे से दूसरा खाना 12 बजे तक हुआ। अगर उन्होंने शुगर की गोलियां ली तो निश्चित तौर पे है कि कभी ना कभी उनकी शुगर ज़रूर डाउन होगी। तो 3 टाइम खाना बहुत ज़रूरी है, ये अपना मतलब नियमित खाना टाइम से लें और अपनी शुगर नियमित चेक करें जी। एक और दर्शक है गोपाल सिंह रावत हैं, जिन्होंने हमें अजमेर से कॉल किया है जी। गोपाल जी बताइए समस्या क्या है। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, शुगर कंट्रोल में ये नीम की पत्तियों का रस और ये करेले का जूस क्या गुणदायक होता है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर आने वाली थी। डॉक्टर खड़गावत, ये हम कई जो घरेलू नुस्खे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये करेले से कंट्रोल हो जाता है, लौकी का जूस पीने से, और कई जड़ी बूटियां भी बताई जाती है, करी पत्ता कहते हैं कई लोग, खाली पेट खाइए तो उससे भी ठीक हो जाता है, तो ये कितना सही है, किन किन चीज़ों से कंट्रोल हो सकता है, घरेलू जो नुस्खे हैं उनसे? सबसे अच्छा तो जो काम आप घर पे कर सकते हैं वो डाइट और एक्सरसाइज है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं करेले की या जामुन की पत्तियों की, ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग इनको काम में लेते हैं और कहते हैं कि इनसे शुगर पे अच्छा असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन इस बारे में कोई भी बहुत अच्छी साइंटिफिक या ऐसा कोई अध्ययन किया नहीं गया है जिसमें देखिए हम कह सकें कि आप अगर 100 ग्राम ये खा रहे हैं तो इससे ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा या इससे इतना HbA1c कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि ये पुरानी जो वेद पुराणों में इनका जिक्र मिलता है कि इनसे शुगर में कंट्रोल मिलता है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी आप नीम की पत्तियां खा लें या कितना आप दूसरी घरेलू नुस्खे काम में ले लें उससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे अध्ययन अभी हुए नहीं हैं और इसलिए ये बताना मुश्किल है। जी 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 बिल्कुल, लेकिन इससे कोई नुकसान भी नहीं है, अगर ये इसका सेवन करते हैं तो इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है? ये ऐसा भी नहीं देखा गया है कि बिल्कुल नुकसान नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में एक साथ प्रयोग हो जाए तो हो सकता है कि उनका नुकसान भी हो गया, हालांकि इस पे अभी कोई साइंटिफिक स्टडी या अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए कहना मुश्किल है कि इनसे नुकसान नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा उसे जरूर ध्यान में रखें, ये तो घरेलू नुस्खे हैं लेकिन डॉक्टर की दवा जो है उसे बिल्कुल ना छोड़े, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। बहरहाल इसी के साथ वक्त है और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें स्वस्थ किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज,
कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से गुरुवार शाम 6 बजे। और अब स्वस्थ किसान के अंतिम पड़ाव में अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है मधुमेह यानी डायबिटीज के कारण, लक्षण और उपचार। और आप भी अगर इससे जुड़ी हुई कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। अभी भी हम अपने दर्शकों के कॉल्स ले रहे हैं, नंबर जो हम साथ ही साथ नीचे फ्लैश करें, यहाँ से आप नंबर नोट करें और हमें फ़ोन करें। रवि हैं एक दर्शक जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। जी रवि जी, बताइए सवाल क्या है। मैडम, मेरे भाई का जो है एक घाव है, जख्म लगा हुआ है और वो लगभग 1-1.5 वर्ष हो जा रहा है, इसका जिसे इलाज कराते हैं कहीं भी डॉक्टर के पास। कितनी उम्र है आपके भाई की और क्या उन्हें शुगर भी है? नहीं, जांच के नॉर्मल ही आता है लेकिन उनका घाव ठीक नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में अपने को क्या। उम्र कितनी है भाई की? भाई की 36। 36 साल, घाव नहीं भर रहा है बता रहे हैं ये। और हमने देखा भी कि शुगर में ऐसा होता है कई बार। हाँ, ये घाव नहीं भरना एक शुगर का एक मुख्य लक्षण है और अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर घाव नहीं भर रहा है तो हो सकता है शुगर हो और बहुत ही कंट्रोल खराब हो संभव है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपने जांच किया है और शुगर की रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि एकदम ठीक है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, ऐसी स्थिति में हम सलाह देते हैं कि और दूसरे कारण हैं जैसे पाँव में खून का दौरा पूरा नहीं हो या और कोई कारण हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से संभव है कि घाव नहीं भर रहा है, तो आपको सलाह है कि आप अपने नज़दीक के अस्पताल में जाके चिकित्सक से जांच करवाएं कि अगर डायबिटीज़ नहीं है तो फिर घाव क्यों नहीं भर रहा है, खून का दौरा पूरा है या नहीं है, या अंदर बैठा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पस तो नहीं जमा है जिसे हमें ऑपरेशन करके निकालने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर बिंदु, अब ये भी बताइए कि क्योंकि हम लगातार दवाओं की बात करें, इंसुलिन पर भी हमने चर्चा कर ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप बहुत ध्यान रखते हैं, लाइफस्टाइल और खान पान कंट्रोल करते हैं तो एक समय हो सकता है जब आपको इंसुलिन छोड़ना पड़े, लेकिन क्या हम ये भी सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल कर लें, व्यायाम करें तो हमें दवा भी छोड़ने की मतलब दवा भी खाने की जरूरत ना पड़े, क्या ये संभव है? ये संभव तो है लेकिन कोई भी बीमारी को अगर हम पूरी तरह से अपना लें, हम डरते ज़्यादा हैं और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मरीज़ आते हैं और इसी उम्मीद में रहते हैं, शुगर 200 आ रहा है, इसी उम्मीद में रहते हैं नहीं हम डाइट से ठीक कर लेंगे, एक्सरसाइज से ठीक कर लेंगे, तो हमें ये भी एक झूठा विश्वास नहीं होना चाहिए। शुगर कंट्रोल हो सकती है डाइट और एक्सरसाइज से कुछ हद तक, पर एक टाइम टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा आता है स्पेशली समय के साथ कि धीरे धीरे पेंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, तो शुरुआत में भले ही डाइट और एक्सरसाइज हेल्प करे बट टाइम के साथ दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और हमें इससे बचना नहीं है, हमें शुगर कंट्रोल करना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। जी किताब है एक दर्शक हमारे साथ हरियाणा से, केतल से जुड़े हुए हमारे साथ फोन पर। जी किताब जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी। जी मेरे पापा को पिछले 12 साल से शुगर है जी, और मतलब ये होता है कि इंसुलिन लगा रहे हैं लगातार लेकिन कमजोरी की वजह से वो इंसुलिन से डरते हैं, तो क्या इंसुलिन मतलब बंद कर सकते हैं कोई और दवाई? अच्छा, क्या उनकी शुगर कंट्रोल है, शुगर ठीक चल रही है उनके इंसुलिन के बाद में? आप सुन रहे हैं? शुगर उनकी ये होता है कि कई बार तो 500, अब हमने चेक की थी 5 मिनट पहले, उस टाइम भी 534 थी। 500? हाँ जी बिल्कुल संभव है कि कभी बीच में एक दो बार 500 भी हो जाए। सबसे पहली चीज तो यह कि हमें यह देखना है कि शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, अगर इंसुलिन से कंट्रोल है तो इंसुलिन से या गोलियों से, जैसा आप बता रहे हैं कि इंसुलिन को बराबर चल रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को भी इंसुलिन शुरू कर दें तो अपने आप इंसुलिन शुगर कंट्रोल कर लेगा। इंसुलिन के साथ में भी हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा और शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर इंसुलिन चल रहा है और शुगर कंट्रोल चल रही है तो बिल्कुल ठीक है, आप इंसुलिन चालू रखिए, उसे बंद करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंसुलिन चल रहा है और शुगर कंट्रोल फिर भी नहीं चल रही है तो हमें इंसुलिन की मात्रा में बदलाव करना पड़ सकता है, इंसुलिन को हम ज़्यादा बार दे सकते हैं, साथ में गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन सबसे जरूरी है कि शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए। अच्छी मात्रा में शुगर का कंट्रोल रहेगा तो उनसे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन को, डायबिटीज के जो नुकसान है उसको हम बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या इंसुलिन लेने के बाद भी इतनी हद तक शुगर बढ़ सकती है? जैसे बता रही कि इंसुलिन के पिताजी ले रहे हैं लेकिन तब भी 500 तक शुगर लेवल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या विकल्प बचता है कि हमारे दर्शकों के पास या मरीज के पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार 500 आ गई है तो वो पूरे दिन भर 500 ही रहने वाली लेकिन है, बढ़ी हुई रहती है। हाँ, एक बार जैसे जब भी, जैसे डॉक्टर बिंदु बात करते हैं कम शुगर की, एक बार जब भी कम शुगर हो जाती है तो उसके बाद अपने आप शरीर शुगर बढ़ाता है, क्योंकि दिमाग के लिए सिर्फ शुगर ही काम में ले सकते हैं एनर्जी के लिए, तो दिमाग को पूरी शुगर मिलती रहे इसलिए लीवर से ग्लूकोज निकलता है, यह ग्लूकोज जाता है और शुगर बढ़ाता है। तो जब भी शुगर कम होगी उसके तुरंत बाद शुगर बढ़ जाएगी, वो 300, 400, 500 कितना भी लेवल हो सकता है। कई बार ये होता है कि आपने इंसुलिन लिया, शुगर कम हो गई, एकदम से भूख बढ़ी, आपने खूब ज़्यादा मीठा खा लिया तो उसकी वजह से भी शुगर बढ़ सकती है। आप दिन में 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, आपने एक डोज मिस कर दी लेकिन खाना पूरा खा लिया तो उसकी वजह से भी शुगर बढ़ सकती है। तो एक बार अगर 500 पहुंच भी गई है तो हमें इससे बिल्कुल डरना नहीं है, 500 शुगर संभव है, लेकिन यह भी बिल्कुल संभव है कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन देंगे तो 500 की शुगर को हम 12 घंटे के अंदर वापस कम कर सकते हैं। 500 की शुगर का मतलब नहीं है कि 24 घंटे 500 आप रह रही है, एक उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने चेक किया तो 500 है, हो सकता है कि हम शाम को चेक करें तो वो 120 भी आ सकती है। तो इसको हम इंसुलिन का फेल्योर नहीं कहेंगे, इसमें हम ये कहेंगे हो सकता है आपने इंसुलिन मिस किया हो, मीठे का पीस खा लिया हो, शुगर कम हो गई हो, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से एक रिपोर्ट 500 आ सकती है। जी महेंद्र सिंह है दर्शक मध्य प्रदेश से। जी महेंद्र जी बताइए सवाल। हेलो महेंद्र जी, पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए सवाल बताइए। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो हम शुगर की टेबलेट लेते हैं तो क्या इनका असर हमारे लीवर पर या किडनी पर या और भी इंटरनल ऑर्गन्स पर होते हैं क्या? क्योंकि अक्सर कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा मेडिसिन लेने से आपके लीवर और किडनी के डैमेज हो सकते हैं, आप जरा इसे तो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर खड़गावत की क्या, जैसे कि कह रहे हैं ये कि दवाएं लेने से इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या इसका इतना असर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें तो इफेक्ट चाहिए, हम तो शुगर कम कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि सभी दवाइयों को हम एक निश्चित मात्रा में ही लें। हर एक दवाई की एक निश्चित मात्रा होती है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, और फिर हमें साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हमारे लीवर किडनी भी अच्छी तरह से काम करते रहें, क्योंकि सारी दवाइयां हैं या तो लीवर के रास्ते शरीर से बाहर निकलती है लैट्रिन में, या किडनी के जरिए पेशाब के से निकलती है। अगर लीवर और किडनी दोनों ठीक काम कर रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा कर अगर हम दवाई ले रहे हैं तो वह नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर गोली की मात्रा 2 गोली से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और आप 4 गोली ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो काम तो 2 गोली का ही करेंगी लेकिन उनके साइड इफेक्ट 4 गोलियों के होंगे, जिसे हमसे बचना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक से सलाह करके जो मात्रा बताई जाती है गोली की उसी मात्रा में ही लें, उससे ज़्यादा नहीं लें, और टाइम टाइम पर लीवर किडनी की या दूसरी जो जाँचें हैं वो चेक करवाते रहें, ताकि इन गोलियों का अगर कोई भी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसको पहले से पहचान सकें और गोलियों को चेंज कर सकें। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया तो मैं आपसे जल्दी से जानना चाहूँगी कि अगर जो जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है और फिर भी मीठा खाने का मन करता है और हम कहते हैं कि जो चीनी है इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मीठा खाने के कौन कौन से विकल्प हैं उसके पास जो स्वस्थ विकल्प हैं? मीठा खाने के, अगर जिस जो हम आमतौर पे मिठाई कहते हैं उसके विकल्प तो सिर्फ मेरे ख्याल से फ्रूट्स हो सकते हैं, जिसको हम फल बोलते हैं। मिठाई जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें छोटे बच्चों के साथ आती है जिनको बहुत मन करता है, कभी हमें आइसक्रीम खाने का मन है, चॉकलेट्स खाने का मन है, तो ऐसे टाइम पे हम ये कहते हैं कि अगर आपका HbA1c 3 महीने की जाँच जो है वो 7% के आसपास है, दैट मीन्स एवरेज जो शुगर है वो ठीक चल रही है, तो आप हफ्ते में कभी एक बार
कुछ मीठा ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद HbA1c का टेस्ट जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं खान पान अगर अगर टाइप 2 डायबिटीज के मरीज को कभी बहुत मीठा खाने का मन हो रहा है, तो आजकल बाजार में ऐसी बहुत चीजें जिनको जिनमें शुगर नहीं, ग्लूकोज नहीं होता है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चाय में, शुगर फ्री की गोलियां आती है जिनको चाय में डाल सकते हैं, पाउडर आता है जिसको आप गाजर की खीर बना के उसमें डाल सकते हैं, जिसमें आप हलवा बना के डाल सकते हैं। लेकिन इस पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मीठा खाने के चक्कर में हम शुगर फ्री तो डाल लेंगे, लेकिन उसमें तेल का इस्तेमाल हम नहीं रोकते हैं। अगर हम हलवा बना रहे हैं तो उसमें हम शुगर फ्री डाल लेंगे और हम ये मानेंगे कि अब हम इससे नुकसान नहीं है, लेकिन उसमें हम घी तेल तो उतना ही ज्यादा ले रहे हैं, तो नुकसान वो करेगा। तो अच्छा है कि अगर आप मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप बिना चीनी का शरबत बना के उसमें 2-3 शुगर फ्री की गोली डाल लीजिए, चाय दूध में डाल लीजिए, और लिमिटेड मात्रा में अगर आप शुगर फ्री या दूसरी जो गोलियां आती हैं, इस तरह की गोलियां हैं जो मीठी हैं लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, शुगर नहीं बढ़ाती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हम भी आशा करते हैं कि आज जो बातें हमने कार्यक्रम के दौरान हमने दर्शकों को बताई है, इसे ज़रूर वे लाभान्वित हुए होंगे। और हमारा मकसद यही है कि हम अपने दर्शकों को जागरूक करें, और इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम के शुरू होते ही आपके फ़ोन आने लगते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण कई बार हम बहुत सारे आपके कॉल्स नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 7, द्वितीय मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें आप। हमारा ईमेल पता है swasthkisan@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। तो चाहे आप ईमेल भी कर सकते हैं और या फिर हमें पत्र भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, हम यही आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। अगले सप्ताह नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।